हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। टुडे वी विल टॉक हाउ टू चेंज एन असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज असी गल करांगे कि असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस नू इंटरोगेटिव सेंटेंस दे विच किस तरह चेंज किया जाता, केड़े-केड़े रूल्स फॉलो किए जाते हैं। असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस मे बी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। शुरू करते हाँ, जेकर असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस दे विच है, भाव असर्टिव सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फस्ट फॉर्म और वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगा होया तां असी इसनू इंटरोगेटिव सेंटेंस दे विच चेंज करन लई ये रूल फॉलो करांगे। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ते इंटरोगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल, ही हेल्प्स द पुअर असर्टिव सेंटेंस, डज ही हेल्प द पुअर इंटरोगेटिव सेंटेंस। दे प्ले फुटबॉल असर्टिव सेंटेंस, डू दे प्ले फुटबॉल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो रूल है इन दोनों सेंटेंसेस दे उपर कंप्लीटली अप्लाई हो रहा। अगे असी गल करांगे कि डू और डज नू कित्थे यूज करना सी। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस दे नाल असी डू यूज करांगे। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन दे नाल असी डज यूज करांगे। अगे असी गल करांगे कि जेकर असर्टिव सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस दे विच है, भाव असर्टिव सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी सैकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया होया तां असी इस सेंटेंस नू इंटरोगेटिव सेंटेंस दे विच चेंज करन लई ये रूल फॉलो करांगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ते इंटरोगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल, ही हेल्प्ड द पुअर असर्टिव सेंटेंस, डिड ही हेल्प द पुअर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो रूल है कंप्लीटली इस सेंटेंस दे ऊपर अप्लाई हो रहा। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, वर्ब दी फस्ट फॉर्म हेल्प, ऑब्जेक्ट पुअर एंड ते इंटरोगेटिव साइन। अगे कुछ इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस होंदे ने जिन्हां दे विच मेन वर्ब दे नाल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई होंदी है। जिस समय असी इस तरह के सेंटेंसेस नू इंटरोगेटिव सेंटेंस दे विच चेंज करते हैं तो उस समय ये रूल फॉलो करांगे। जिस तरह इस सेंटेंस दे विच कीता होया, ही विल प्ले हॉकी असर्टिव सेंटेंस, विल ही प्ले हॉकी इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस नू इंटरोगेटिव सेंटेंस विच चेंज करते समय असी हेल्पिंग वर्ब नू सब्जेक्ट की जगह पर कर देना, सब्जेक्ट नू हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब नू असी सेंटेंस दे स्टार्टिंग दे विच यूज करांगे, उस तो बाद सब्जेक्ट। एक बार फिर ध्यान देना, ही विल प्ले हॉकी असर्टिव सेंटेंस, विल ही प्ले हॉकी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगे इस तरह सैकेंड सेंटेंस, दे मे हेल्प यू असर्टिव सेंटेंस, मे दे हेल्प यू इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगे असी इस टॉपिक दे स्टार्टिंग दे विच क्लीयर कीता सी कि असर्टिव सेंटेंस मे बी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इत्थे असी गल करांगे कि नेगेटिव सेंटेंस नू किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस दे विच चेंज किया जाता। शी डिड नॉट सिंग अ सोंग नेगेटिव सेंटेंस, डिड शी नॉट सिंग अ सोंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। इत्थे असी की कीता, हेल्पिंग वर्ब नू सब्जेक्ट की जगह पर ले आंदा, सब्जेक्ट नू हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, उस तो बाद असी नॉट यूज किया। एक बार फिर ध्यान देना,
she did not sing a song negative sentence, did she not sing a song interrogative sentence. अगे इसी तरह second sentence, Meera does not like sweets, negative sentence, does Meera not like sweets, interrogative sentence. स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हाँ कि अज्ज दा टॉपिक तुहानू समझ आ गया होगा. थैंक यू.